न्यूज 24 के इस खास शो मंथन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। एक एक करके सारी हस्तियां आ रही हैं उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई इसी मंच पर, और उसी कड़ी में अब जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हें दलित यूथ आइकॉन कहा जाता है, चंद्रशेखर आजाद रावण। इन्हें दलित यूथ आइकॉन तो कहा ही जाता है, और इनको ऐसे भी डिस्क्राइब किया जाता है कि ये उत्तर प्रदेश में अब दूसरे नंबर के दलित नेता बन गए हैं मायावती के बाद। ये परिचय कैसा लगता है आपको? एक दलित यूथ आइकॉन और दूसरा दलितों के दूसरे सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में मायावती के बाद। तो अगर गरीब यूथ आइकॉन कह देते तो भी चल जाता। दलित दलित दलित, आपसे तो उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दलितों के बाहर यूथ में आपकी पहुंच नहीं है या आपकी अपील या फॉलोइंग नहीं है। मैंने एक बार और गरीब यूथ आइकन कह दो चल जाएगा। हर गरीब खुद में चंद्रशेखर को देखता है, उसे लगता है कि ये चंद्रशेखर है। जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है वो अपने आप को चंद्रशेखर मानता है। तो वो गरीब किसी भी वर्ग का, मुझे लगता है कि वो चंद्रशेखर अपने आप को मान सकता है। और रही दूसरे नंबर के नेता की, तो नेता तो बनना नहीं चाहते हैं मानक साहब। बनना तो चाहते हैं कार्यकर्ता, उनके हमदर्द, उनके दुख सुख के साथी, क्योंकि नेता तो धोखा देते हैं। आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लो ट्रैक, 90% लोग राजनीति में इस चमक धमक के साथ आ रहे हैं सोच के कि पैसा मिल जाएगा, पावर मिल जाएगी, पद मिल जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, फार्म हाउस बन जाएगा। और हम परिवर्तन की सोच को लेके आए कि जिनका बनना था उनको बन गया, जिनका नहीं बना उनका क्या होगा। जो चुनाव के समय जिनपे बहुत बड़े बड़े दावे और घोषणा पत्र होते हैं, कभी चुनाव के बाद तो कभी कोई पूछता नहीं, ना कोई सवाल करता, ना कोई जवाब देता। और कहो तो कह देते हैं तो सरकार के लोग कि जमूले, हमने तो मजाक किया था जनता से। तो अब वो मजाक खत्म होना चाहिए, यही अपनी पहचान है। अब जनता के हित की बात हो, मुद्दों की बात हो। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? राजनीतिक लोगों की तरफ नहीं, क्योंकि मैंने दूसरे नंबर का नेता कहा तो कहीं पहले नंबर की नेता की तरफ तो आपका इशारा नहीं था? नहीं नहीं, उनकी तो कुछ, उनके पास कुछ है ही नहीं। दो बार योजना से तो हार रहे हैं। जो सरकार में उनके लिए मैं क्या कह दूं, जो सरकार में उनके लिए कह रहा हूं, जो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। मैंने यहां से एयरपोर्ट से यहां तक देखा तमाम पोस्टर बैनर, ये एक नंबर दो नंबर, और सच देखो तो कहां है एक नंबर दो नंबर? बेरोजगारी में एक नंबर, भ्रष्टाचार में एक नंबर, एनसीआरबी का डाटा कहता है एक नंबर है, दलित उत्पीड़न में, महिला उत्पीड़न में, अपराध में। तो मुख्यमंत्री चाहे कितनी ताली बजा दें, सच तो यह है कि थाली गरीबों की खाली है। तो आप दूसरे नंबर के दलित नेता नहीं है क्या उत्तर प्रदेश के? बहुजन पहले नंबर के कहूं तो कैसा लगेगा? अरे मत कहो, नेता मत कहो, आप कहो कि आप सबसे ज्यादा लड़ने वाले हो, और देखो कितनी लड़ाई उठा के देखो कि सबसे ज्यादा भीम आर्मी और चंद्रशेखर राजा आपको। मैं बहन जी से आपका रिश्ता आज तक समझ ही नहीं पाया। मैंने आपके इतने इंटरव्यू किए, मैं हर बार बहन जी पर आपसे सवाल पूछता हूं, मैं समझ ही नहीं, कैसा रिश्ता है? दोस्ती है, दुश्मनी है, खट्टा मीठा दोनों है, या फिर इस रिश्ते का परवान चढ़ना अभी बाकी है? नहीं, वो मानती नहीं है रिश्ता, और हम सामाजिक रूप से मानते हैं इतना रिश्ता, और क्या कहें बताइए। उन्होंने सिरे से नकार दिया है तो क्या करें, अपना काम कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी चला रही है, अपनी विचारधारा चला रही है, सम्मेलन कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक जो बहुत जरूरी बात मानक भाई, वो मुझे क्या मानती है क्या नहीं मानती, रिश्ता क्या, इससे उत्तर प्रदेश का कुछ भला नहीं होने वाला। वो ये कहती है, मतलब उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, उनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि आप बहुजन के दलितों के वोट काटने के लिए इस चुनाव में उतरने वाले हैं। स्वागत है, उनको पता ना काट लेंगे। हमने तो पहल की थी कि रोको, बचा लो उत्तर प्रदेश, लेकिन बचाना नहीं चाहते हो। देखिए मैं आपको सीधे तौर पर बताऊं, मैं रहूं ना रहूं, मेरे जैसे 1000 लोग आ जाएं, उनके जैसे 1000 लोग आ जाएं, उत्तर प्रदेश सलामत रहेगा, देश सलामत रहेगा, हर व्यक्ति अपने लिए लड़ेगा और अपने अधिकारों को प्राप्त करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें, आप तो एक सम्मानित पत्रकार हैं और आपके चैनल्स को बहुत लोग देखते हैं, इससे आगे बढ़ के आज हमें बात करनी चाहिए कि हम पे मुद्दे क्या रहेंगे। ये मुद्दों की बात तो तब हो जब आप अपने पत्ते खोलें, आप बताएं कि भाई मैं इतनी सीट पर चुनाव लड़ने वाला हूं, तब तो मुद्दों की बात करें। अच्छा बताइए, क्या चुनाव लड़ना ही राजनीति होती है? क्या गठबंधन करना ही राजनीति होती है? क्या चुनाव के बीच वोट जाके वोट मांगना ही राजनीति? राजनीति तो मैं समझता हूं कि समाज को, प्रदेश के लोगों को तैयार करना भी राजनीति होती है, कि सरकार किसी की हो, विपक्ष जनता बनी रहे और अपने अधिकार छीन ले। सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए जाएंगे? ये भी तो कहेंगे इसको वोट दीजिए, इसको वोट दीजिए। खुद को जिताने के लिए जाएंगे, आजाद समाज पार्टी को ताकत में लाएंगे? हाँ तो लड़ेंगे ना चुनाव? बिल्कुल लड़ेंगे। अरे साहब, पार्टी बनाएगी, आप बताइए ना,
अब मैदान में, अब से पहले हम बाहर बैठ के देख रहे थे, अब मैदान में आके लड़ेंगे, ताकत किस में है वो समय तय करें। कितनी सीटों पर लड़ेंगे? सारी पे भी लड़ जाएंगे, संगठन तो सब जगह पे है। चुनाव का माहौल बन गया है, धीरे धीरे चुनावी तैयारियां चल रही हैं, जब चुनावी समर होगा चुनाव आयोग घोषणा करेगा सारी चीजें। मतलब विकल्प खुले हैं, अगर किसी से गठबंधन हो गया तो कम सीटों पर भी लड़ लेंगे, नहीं हुआ तो सारी सीटों पर भी लड़ लेंगे। सवाल ये है कि क्या गठबंधन हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? हमने तो सारी सरकारें देखी हैं, 7 से 12 की हो, 12 से 17 की हो, 17 से ये झेल ही रहे हैं 4.5 साल, इससे बुरा तो नहीं देखा कि बोलने की आजादी नहीं है। हमने तो ये भी देखा मीडिया बोलती है तो उन पे छापे पड़ जाते हैं, वो कहते हैं लोकतंत्र है, कहां का लोकतंत्र है। आप कौन सी सीट से लड़ने वाले हैं चुनाव, सोचा है कुछ? जहां पार्टी कह दे, हम तो अनुशासित वर्कर हैं। अरे पार्टी आपकी है, आपको ही बताना है, चंद्रशेखर आजाद को ही खुद बताना है कि चंद्रशेखर आजाद कहां से चुनाव लड़ेंगे, और आप कह रहे हैं पार्टी बताएं। हमारे यहाँ ना लोकतंत्र है, जो सामने लोग बैठे हैं जिनमें हमारे बहुत सारे लीडरान हैं, तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट पीएम भी हम, नेक्स्ट सीएम भी हम, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। जिसको पार्टी चेहरा बना दे, कि उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ काम नहीं करता हूँ, महाराष्ट्र भी जाता हूँ, बंगाल भी जाता हूँ, राजस्थान भी जाता हूँ। तो बेसिकली अब बनने बनाने से ज्यादा प्रयास ये करना है कि उत्तर प्रदेश के लिए कुछ अच्छा किया जाए, क्योंकि ये जो व्यापार की राजनीति है, जिस राजनीति में सिर्फ पैसे वाले हैं, गरीब लोग नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बनानी है। और अब उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में सोचना, जो अब देखिए, आप खुद को कांशीराम का चेला बताते हैं ना? बताता हूं, नहीं हूं, साबित कर दो नहीं हूं, आप बता दो कोई। वो तो बहन जी तो कहती है कि कांशीराम की पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है, राजनीतिक विरासत उनके पास है, राजनीतिक विरासत उनके पास है, सिद्धांतिक विरासत मेरे पास है, मैंने तो एक सिद्धांत नहीं छोड़ा। क्यों, उन्होंने अपने सिद्धांत सारे सब दरकिनार कर दिए क्या? अब जो उनके पास है आप देख लो क्या है। अगर सिद्धांत के रूप में अगर हाथी से गणेश बनता है ना, तो हाथी की हत्या होती है, आप पढ़ लेना, और मैंने पढ़ा हुआ, हाथी से गणेश बनने की प्रक्रिया में हाथी की हत्या होती है, बिना हाथी की हत्या हुए गणेश नहीं बनता है, आप चाहे तो पढ़ लेना, मेरा पढ़ा हुआ है। तो बाकी मैं अपनी बातें रखता रहता हूं। कौन से ऐसे मूल्य हैं कांशीराम के जो बहन मायावती ने छोड़ दिए, त्याग दिए, तिलांजलि दे दी, त्याग कर दिया, क्यों आप इतने नाराज हैं? कौन सा मूल्य है बताइए, ये बताइए। मेरे आपके कहने से कोई बदल जाएगा क्या? आइए हम अपनी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश छोड़िए, वो बदले ना बदले, अगर वो अब रिटायरमेंट का टाइम हो गया, छोड़िए, अब आप आइए ना, वो तो बीता हुआ कल है, आप आने वाले कल पे बात करिए, दलितों का क्या होने वाला देश। तो आप बात क्यों नहीं करते बहन जी से, क्यों नहीं कहते कि अब आप रिटायर हो जाइए, अब आपका टाइम हो गया और मुझे आने दीजिए? ये देखिए ना, आपके यहाँ पोस्टर लगा हुआ हर पार्टी के नेता का, देखिए बीजेपी से योगी जी हैं, समाजवादी से अखिलेश जी, और बसपा से सतीश मिश्रा जी हैं। बताइए आपके यहाँ मायावती जी का पोस्टर कहाँ है? अब उनसे वो खुद ही नहीं, अब तो उन्होंने दे दिया मिश्रा जी को कि मिश्रा जी चलाएं जैसे चलानी है, तो मिश्रा जी से आपके यहाँ जो है वो जय भीम हो जाती है, जब आपके मंच पे मिलता किसी और मंच पे हो जाती है। सवाल ये है कि इस आजादी में भी 70 साल से गटर में उतर रहे हैं और मर रहे हैं, हर साल लाखों की संख्या में मरते हैं, कोई नहीं पूछता, बिना सुविधाओं के, बिना जो इक्विपमेंट्स है उनके बगैर उतरते हैं और मेहनत करते हैं, फिर भी दलित कहलाते हैं। कुछ लोग जो सोच से दलित है उन पर चर्चा नहीं होती, हम पे, हम इसलिए दलित है, कल से तो देख रहा हूं मुख्यमंत्री पे चर्चा हो रही, दलित मुख्यमंत्री बन गया, अरे क्या 4 हाथ वाला है, क्या 6 पैर वाला है, इंसान ही तो है, दलित तो सिस्टम ने बना रखा है। अच्छा ओके, मैं ये मान के चलता हूं कि जिस बीजेपी की सरकार ने आपको एनएसए लगाकर जेल भेजा था साल भर के लिए, आप उसके साथ तो नहीं जाएंगे चुनाव में? बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कभी भी, कभी नहीं, मरते दम तक, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, जब पुराने कट्टर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, बहन जी और अखिलेश भी साथ आ सकते हैं। दो ही तो विचारधारा है, मनुवादी और अंबेडकरवादी, तो अंबेडकरवादी विचारधारा अगर उधर चली जाएगी तो कुछ बचेगा ही नहीं, इस देश में एक ही विचारधारा हो जाएगी। अच्छा ओके, बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे कभी। ओके, आज स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस दिन ये कर दें, आप एक बार वो कर देना, हाल तो कर नहीं रहे, पहले बता रहे हैं, जब तक जिंदा है तब तक तो नहीं करेंगे। ठीक है, बहन जी के साथ? अब हो सकता है 2022 के बाद वो सारी पार्टी इधर हो जाए, समाज पार्टी में, आप देख लेना, हालात तो अभी भी ऐसे हैं, आप देख लीजिएगा। पर जब लड़ाई एक ही है, बहुजनों की है, दलितों की है, तो फिर साथ तो आ सकते हैं ना, मतलब विकल्प तो खुला है ना। उनसे कह रहा हूं, फोन करें, उनसे कह रहा हूं, अगर बहन जी फोन करें, रावण, चंद्रशेखर, जो भी वो बुलाती हैं आपको, कभी मुलाकात हुई है? आप बताते रहिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, कहें कि आ जाओ मिलना है, आओ चाय पीते हैं, तो जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे ना, बुलाएंगी, चला जाऊंगा, लेकिन एक सत्य है कि आजाद समाज पार्टी को ही चलाऊंगा, उसी का वर्कर बनकर रहूंगा।
बुलाएं कुछ भी करें, गठबंधन नहीं करेंगे। मैंने क्या गठबंधन तो अलग मसला, बुलाने का मसले पे वो कह रहा हूँ। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ उनको कि वो छोड़े जिद, 2022 में युवाओं को मौका दें, 24 में उनको प्राइम मिनिस्टर हम बना देंगे, क्या दिक्कत है, हमें क्षमता है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो केंद्र की राजनीति करें और आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति करने दें। चार बार सीएम रह तो गई हैं, आप प्रधानमंत्री बने और हमसे कहें कि बनाओ, देखो खून का। अच्छा, तो चाय पीने जाएंगे तो आप उनको यही कहेंगे, आप कह दो आप दिल्ली की राजनीति करें। ऐसा नहीं कि हमें नहीं सुनते हैं, उनका एक एक नेता सुनता है, हमारे तो सुनता, उनका भी सुनता, विपक्ष के लोग भी सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं और कह रहे हैं कि अगर वो जिद छोड़े तो प्रधानमंत्री बनाए उनको। अब आजाद समाज पार्टी ने बनाया। अच्छा, मैं सीधे पूछ लेता हूं और क्लियरली बोलिएगा ईमानदारी से। देखिए, अब चुनाव नजदीक आ गया है, अब इन सवालों से बचने का कोई फायदा नहीं है। सीधे सीधे बताइए, उत्तर प्रदेश में जो बहुजन है, जो दलित है, वो कितना प्रतिशत आपके साथ, कितना प्रतिशत बहन जी के साथ? देखिए, ये तो आपके पास सर्वे आप लोगों ने करा, मैंने करवाया, आप कहोगे कि भाई आपका क्या नतीजा है बता दीजिए। हमारे एक सर्वेयर यही बैठे हैं जिन्होंने कराया, 17% वो कह रहे हैं कि अभी वोट आ रहा है आपको। आपको? हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में 17% वो कह रहे हैं। मैं उस दिन से दलितों का या पूरे जिस ओवरऑल जो बहुजन समाज का वोट है 17% वो कह रहे हैं आपको। हाँ, मैंने उनसे कहा ठीक है, अब उनका मैंने करवाया नहीं, और उनका आप करवा लो या उनका मिश्रा जी बता सकते हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट बात बता, सारा तो बीजेपी ले गई, दलितों का वोट बचा कहाँ है? भरम है, दूर हो जाएगा, हाथरस बिल्कुल उसमें, अनीस कनौजिया बिल्कुल उसमें, कल परसों हाथरस जा रहा हूँ, उस घर के आगे जो है ना कबाड़ वबाड़ खूब डाल दिया है, सरकार ने बहुत वादे किए थे कुछ नहीं किया, नौकरी नहीं दी, घर नहीं दिया, मरने के हालात पे छोड़ रखा है, परसों फिर जा रहा हूं अपने परिवार को देखने। बीजेपी कहती है दलित पहले हिंदू है, जाति बाद में है। आप लोग तो नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? मैं तो कल से सुन रहा हूँ कि दलित सीएम बना दिया, दलित सीएम बना दिया, दलित सीएम बना दिया। आपने तो नकार दिया ना कि दलित हिंदू नहीं है, ये तो साफ हो गया ना। हाँ। ये कहा कि हिंदू सीएम बना दिया, ये कहा कि दलित सीएम बना दिया, और हमें तो अधिकार इसलिए मिले कि हम हिंदू नहीं है। नहीं, बीजेपी का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि पहले हिंदू बाद में जाति। आपका क्या स्टैंड है, दलित हिंदू है या नहीं है? नहीं, दलित हिंदू नहीं, दलित हिंदू नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। और बीजेपी चुनाव से पहले बताती है हिंदू, चुनाव के बाद इन्हीं की खाल तारती है। इन तो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री इन्हीं के पैर धोते हैं और चुनाव के बाद तो दलित की क्या जाती है फिर? दलित की जाति दलित है, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट दिया अलग से एक वर्ग पूरा। हिंदू नहीं है? नहीं, नहीं हिंदू है, अपना कल्चर है। तो आप अपने आप को हिंदू नहीं कहते? नहीं, नहीं हूँ, बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। अरे आप बताइए ना, फिर दलित कौन है जिसकी चर्चा हो रही है आपके सबके चैनल पे कि दलित को सीएम बनाए? पूजा पाठ नहीं क्या आपने कहा ना कि आप बताइए ना, छोड़िए ना, ये बताइए कि आपने कहा कि हिंदू सीएम बनाए, क्यों चर्चा कर रहे हैं पंजाब में दलित सीएम बना? आप ही तो बता रहे हैं कि हम दलित हैं, हम हिंदू नहीं है। हमने तो उस व्यवस्था में सदियों से मार खाई है, सदियों से अधिकारों से वंचित रहे हैं। चाहते तो बाबा साहब दूसरा देश बना देते। पूजा पाठ मैं क्या कह रहा हूं, देखिए बाबा साहब का राष्ट्रवाद देखे ना, दूसरा देश चाहते तो बना देते पाकिस्तान की तरह, लेकिन लड़े और इसी में रहा, कहा किसी को सुधारेंगे और नहीं सुधार पाए तो वो धर्म ग्रहण किया। ओके, आप पूजा पाठ करते हैं? मैं तो ये कहता हूं कि भगवान अगर इतना कमजोर हो गया कि उनको ऐसे भक्तों की जरूरत पड़ रही है जो राम नाम पे हत्या करवाते हैं, तो मैं तो नहीं मानता हूं। जो जिसने सृष्टि बनाई, जिसकी चर्चा होती है कि सब कुछ उनके यहां चल रहा है, वो इतना कमजोर है कि इनकी जरूरत पड़े। अच्छा, जो कहते हैं कि हम घर बना रहे हैं, कर आपने रहे हैं। कभी भगवान में विश्वास नहीं किया या फिर कभी विश्वास उठ गया बाद में, ऐसा हुआ? जिस दिन जान लिया, जिस दिन काशीराम साहब को सुन लिया, बाबा साहब को पढ़ लिया, ज्योतिबा फूले से ज्ञान प्राप्त कर लिया, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवा को, जन्ना कपूर ठाकुर पढ़ लिया कि किस हालात से निकल के आए, पैरिया रामास्वामी नायकर को जान लिया, पढ़ लिया, उस दिन तो छोड़ दिया। लेकिन सारा का सारा दलित तो चला गया बीजेपी के साथ। देखिए हमारे यहाँ कि हाँ हम हिंदू हैं और बाकी वजहों से भी, हमारे यहाँ घर पे रविदास जी को मानते हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज। हाँ। और वो उन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा, अगर आपका मन साफ पवित्र है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो लड़ाई तो अधिकार की है, मैं क्या करता हूं, मैं कौन हूं, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, वो दिन गए, अब हमारी राजनीतिक हैसियत बनी है, लोगों को हमें सीएम भी बनाना पड़ रहा है और लोगों को हमें जो है ना हमारी बात भी करनी पड़ रही है। मैं तो योगी जी को कल से देख रहा हूं, दया दया ट्विटर पर लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहब ने ये किया, उसी बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या करते हैं रोज, उनके खिलाफ सारी रणनीति बनाते हैं, उनकी सब यात्रा निकाले उसके लोगों ने जिंदा रहते, आज सम्मान देने की बात कर रहे हो। अच्छा ओके, दो नेता हुए अभी, तीसरे नेता अखिलेश जी, उनके साथ गठबंधन अगर की संभावना बनती है, अगर वो बुलाते हैं आ जाओ तो विकल्प खुला है? जिस दिन आपको उन्होंने फोन किया कि बुला रहे हैं तो उस दिन बताना, फिर देखेंगे सोचेंगे। इस पर मेरे थ्रू क्यों जाएंगे, वो तो डायरेक्टली फोन करेंगे आपको। उत्तर प्रदेश में आपका जनाधार बढ़ रहा है भाई, इसमें कोई शक कहां है? अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर नीयत नहीं है सरकार के बनाने के बाद काम करने की, हाँ, तो क्या उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा?
क्या ये जो कोरोना में जो हाल हुए, क्या आज भी अस्पताल नहीं है, इसका भला हो जाएगा? आप मेरे जीवन का एक किस्सा सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण। एक सेकंड, अच्छा बोलिए। हाँ। बहुत महत्वपूर्ण है मानक। हाँ, मानक भाई, मैं अपने पिताजी को लेके एम्स गया दिल्ली। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर थे और उनको बेड नहीं मिला, 3 दिन पड़ा रहा मैं वहां। उस दिन मैंने तय किया कि गरीबों की कोई हैसियत नहीं है। ये सेकंड वेव में? नहीं नहीं, 2011-10 में। तब मैंने तय कर लिया कि नहीं, यहाँ गरीबों कोई हैसियत नहीं है। किस बीमारी से आपने जिक्र किया? कैंसर था। अच्छा, कैंसर। अब देखिए, अमीर को कैंसर होगा उसका भी खर्चा इतना बैठा, गरीब को होगा तो गरीब कहां से करेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जा नहीं सकता है। इसको सुधारना पड़ेगा, सरकारी में सुविधा देनी पड़ेगी, सरकारी स्कूल में सुविधा देनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि सबको अवसर मिलना चाहिए ना, मिल नहीं रहा है। अच्छा, अखिलेश के नाम पर मैंने एक 1.5 सेकंड का एक पॉज देखा जी। आप रुक गए थे 1.5 सेकंड के लिए। मैं तो, क्या अखिलेश के लिए मन में कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? नहीं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। आपको सबसे पसंद है क्या? मैं चल कहाँ रहा हूँ, मैं तो बैठा हुआ हूँ। रुकने की बात तो ऐसी नहीं, है। बोलने में पॉज आ गया आपके। नहीं, मैं अपनी तस्वीर भी देखता रहता हूँ ना, अपनी हैसियत को नापता रहता हूँ कि कैसा दिख रहा हूँ। तो एक बार मूछों पे ताप देके दिखा दीजिए एक बार अपने उन फैंस के लिए जो आपके यूथ में फॉलोइंग है ना। वो मेरे काम से मुझे प्यार करते हैं, मूछों से नहीं करते। वो जानते हैं कि ये व्यक्ति वो शख्स है जो बिकेगा नहीं, जो टूटेगा नहीं, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की वजह से अपने सिद्धांतों से नहीं भटकेगा। अटल हूं, सूरज पश्चिम से जो है निकल सकता है, चंद्रशेखर नहीं झुक सकता। मुझे याद है जब जेल से आप निकले थे तब आपने मूछों पर यूं ताव दिया था। हमेशा देता हूं। वो स्टाइल से ज्यादा इस बात का संकेत देता है कि आप डरते नहीं, झुकते नहीं। इसीलिए मैंने आपसे, मैंने कहा ना कि पैसा कमाने और वो सब चीजें करने के लिए परिवर्तन के लिए आया हूं कि हजारों साल के बाद आज भी अगर इस देश में बराबरी के अधिकार नहीं मिल रहे हैं, समानता की बात नहीं हो रही है, तो होना चाहिए। ठेकेदारी पे जो है आज भी जो सफाई कर्मचारी मर रहा है उसकी जीवन पे बात होनी चाहिए। अच्छा, ओके, कांग्रेस रह गया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। प्रियंका से तो आपकी बाकायदा मुलाकात भी हुई है, अच्छे रिश्ते भी हैं आपके, सब जानते हैं। तो क्या कांग्रेस के साथ कुछ गठबंधन की संभावना? मेरी समझ में ये नहीं आया कि आज मैं उन पार्टियों के बारे में अपने रिश्ते बताने के लिए क्यों आया। मेरे पास तो बहुत काम है मानक भाई, आप जानते हैं ना, का मंच है, चुनाव का मंच है, तो उनके नेताओं से आप मेरा नाम ले लेके पूछना। मैं देखता हूँ अभी आने वाले हैं कुछ। हाँ। चंद्रशेखर के बारे में क्या विचार है, तब मैं समझूंगा कि आप सबसे बराबर की बात करते हैं। हाँ। सबसे उसी तरह पूछते हैं जिस तरह मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ। देखिए, मैं साफ तौर पर, देखिए ये आपका हक है, सवाल पूछना मेरा हक है। आप ये कह सकते हैं कि अभी तय नहीं किया है, ये पूरा पूरी तरह से आपका हक है। आप ही की बात को आगे बढ़ा देते हैं कि अभी अपना काम कर रहे हैं। हाँ। मेहनत कर रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि 69 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश सरकार ने दलित पिछड़े वर्ग के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, 20,000 पद खा गए। कल का दिन मुख्यमंत्री जी पे 22 तारीख के बाद 15 दिन का समय मांगा था, फिर उतरूंगा लखनऊ में और इस बार ऐसा आंदोलन करूंगा कि मुख्यमंत्री चाहे तो सो नहीं पाएंगे। अपने जमात के हकों के लिए कोई समझौता नहीं, और यही राजनीति है। 2-3 बड़े बड़े मुद्दे जिन पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है महिला सुरक्षा। महिलाओं की बात, महिलाओं को नकारा नहीं जा सकता, उनकी हिस्सेदारी को नकारा नहीं जा सकता। नौजवानों के लिए रोजगार और ये भ्रष्टाचार की राजनीति, इसका खात्मा होना चाहिए। जिस राजनीति में कितने लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं, पुल बन गया गिर गया, सड़क बन गई गिर गई, तमाम तरह की चीजें बनी गिर गई, और इस भ्रष्टाचार में कितने लोगों की जान जाती, कभी चर्चा नहीं होती। तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो और शुद्ध राजनीति हो कि जिसमें जनता के हितों के लिए काम हो। विपक्ष और जो है पक्ष साथ बैठ के तय कर लेंगे उत्तर प्रदेश का रास्ता, विकास का रास्ता कहां से होकर जाएगा। एजुकेशन पे बात करेंगे, जिस तरह से एजुकेशन को दबाया जा रहा है और जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर करके सब जीरो किया जा रहा है, आप ये तो देखिए। और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अपने देश की चिंता सबको है, 20,000 करोड़ के लोन माफ हो रहे हैं, 40,000 करोड़ के लोन माफ हो रहे हैं। किसान का अगर 10,000 का लोन होगा तो उस पर उसे जेल भेज दिया जाएगा अगर नहीं दे पाएगा। मजदूर पे अगर लोन होगा तो उसको जेल भेज देंगे। गैर बराबरी कहां है? अभी जितने भी जो है, आप देखिए सारा सिस्टम प्राइवेट को दे दिया है, गरीब की हैसियत है? आप मुझे बता दो कि एक गरीब जो है अपने जीवन में कुछ अच्छा कर जाए अपने परिवार के लिए, एक मकान बनाने में लग जाते हैं 10 साल एक गरीब को। सरकार दावे करती है हवा वाई है, कुछ नहीं है। ये बाढ़ का क्षेत्र आप देखिए क्या बुरा हाल है। अभी देखिए पूर्वांचल में, मैं अभी लोटा इलाहाबाद साइड से, उनके जीवन पे कौन पूछेगा? बीजेपी समर्थक आपको देशद्रोही कहते हैं। स्वागत है, अपने देश के लिए लड़ना अगर देशद्रोह है तो स्वागत है। और बीजेपी देश नहीं है भाई, ये भी समझना पड़ेगा। बीजेपी ने तो जितना देश को बेच दिया है, निजीकरण के खिलाफ बड़ा आंदोलन आप देख लेना। हर जात धर्म के लोग आते हैं, कहते हैं भाई हमारे बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, वो सरकारी नौकरी कहां करेंगे। अच्छा, राजनीति कैसी लग रही है चंद्रशेखर आजाद? जिसको देखो चेहरों पे मुखौटे उतर तो गए ही हैं। अच्छा, चेहरे पे मुखौटे लगाए बैठा है।
मंच पे कुछ कहता है, पीछे कुछ कहता है। और अगर इतने अच्छे होते राजनीतिक लोग तो आज ये हैसियत ना बनी होती, हमारे जैसे लोग जरूरत क्या पड़ी। अच्छा बताइए, स्पेस बना ना कि उनकी बात नहीं हो रही थी, जिनके लिए हम बार बार कह रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही थी, उनको अधिकार नहीं मिल रहे थे, ये स्पेस बना तभी तो आज हम यहां। मैं क्या कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, उत्तर प्रदेश के नजरिए से मुख्यमंत्री कितने ज्ञापन लगवा लें, कितने विज्ञापन, और वो जनता का पैसा। देखिए तो जो जनता सरकार, जिसके टैक्स से सरकार चलती है, वो जनता लाइन में खड़ी होती है, नेता वीआईपी वो करते हैं। क्यों? क्या जनता के पैसे तो चलती है ना, सरकार तो कोई पैसा नहीं लाती, और उस पैसे का विज्ञापन लगाने का अधिकार किसको, किसने दिया आपको? वो जनता की एक एक मेहनत, खून पसीने का पैसा, उसको आप कैसे लगा रहे हो विज्ञापन में? ये जो तमाम तरह की जो ना लूटने कसोटने की, झूठ की, धर्म सांप्रदायिकता की राजनीति का अंत होगा। और किसान बोर्ड लगा, मैंने एक इंपोर्टेंट बोर्ड देखा, झूठ भी कितना खुले में बोलते हैं बीजेपी के लोग कि किसानों का सारा जो है गन्ना भुगतान कर दिया। अरे हम आते हैं गन्ना खेती से, मेरी माँ का सुबह फोन आया, घर की बात बता रहा हूँ, कि वो पेड़ खड़े हैं ना, 90 पेड़ है, वो 46,000 रुपए दे रहे हैं। हमने कहा कि एक पेड़ 1,000 का भी नहीं हो रहा, तो कहा कि वो कह रहे हैं कि ऐसी कीमत हो रही है, देखे ना तो क्या हालात है, हम भी तो किसान है, हम जानते हैं। अच्छा आप जब जा ही रहे हैं, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आप जा ही रहे हैं, सब जगह घूम ही रहे हैं जी, तो आपका फीडबैक क्या जमीन से आ रहा है, ग्राउंड जीरो से क्या है, इस बार बीजेपी को कितनी सीटें आने वाली और कौन, हाँ कौन जीत रहा है? मैं आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आजाद समाज पार्टी के बारे में रोड जमीन से जान रहा हूँ, बीजेपी का क्या होगा, बीजेपी रहेगी, बीजेपी हारेगी ना, आप तो हराने के लिए निकले। हाँ हारेगी, 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 और इतनी बुरी तरह हारेगी क्योंकि जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और देश की जनता को दिया, इतना किसी ने नहीं दिया। उनके एजेंडे में देश ही नहीं है, और उनके एजेंडे में कोई नहीं है, ना दलित है, ना पिछड़ा है, ना अगड़ा है, ना महिलाएं हैं। अगर होती तो वो इनकी हत्याओं पे चुप ना रहते। अब समय चला गया, मैं प्रदेश की जनता को भी कहना चाहता हूं, समय चला गया कि धर्म और संप्रदाय की राजनीति हावी थी, मुद्दों की राजनीति होगी, रोजगार की राजनीति होगी, महिला सशक्तिकरण सुरक्षा की राजनीति होगी, अब जो है एजुकेशन की राजनीति होगी। कभी मुजफ्फरनगर ना औद्योगिक शहर हुआ करता था साहब, और आज देखिए दंगा का जिला बना के रख दिया है। कभी उत्तर प्रदेश में उद्योग था, आज देखिए नौकरियां कहां है, सब जीरो कर दिया है। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, लेकिन शुक्रिया, बहुत शुक्रिया के लिए आए, और आपने सारे तीखे सवालों के बड़ी साहस से, बड़ी बहादुरी से जवाब दिए। मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको, देनी चाहिए, मेरी आपके साथ, क्योंकि देखिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हूं, जनता के पास जितने ज्यादा विकल्प हो उतना अच्छा है, उतरिए चुनाव में ताकि जनता को विकल्प मिले और आपको भी पता चले कि वाकई जो सोशल मीडिया पर, मीडिया में आपको इतना दिखाया जाता है, आप छाए रहते हैं, चुनाव में आपके साथ कितने लोग हैं, आपको भी इस बात का पता चलेगा। मैं आपकी शुभकामना का आदर से आभार करता हूं। मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि नौजवान, नए लोगों को मौका मिलना भी चाहिए, पुराने लोगों को तो देख चुके, तभी तो उनकी सरकारें गई हैं, अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, और जब कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो फिर उनको बदल देना चाहिए। तो हम अच्छा करेंगे और 2022 में उत्तर प्रदेश से भाजपा का जाना तय। युवा नेता चंद्रशेखर आजाद रावण का एक बार तालियों से धन्यवाद कर दीजिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, जय भीम, चंद्रशेखर आजाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।